नमस्कार दोस्तों, ये हेल्दी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो सरदर्द का होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको सरदर्द की समस्या अधिक रहती है तो यह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण भी हो सकता है। इस बीमारी की पहचान अगर समय रहते कर ली जाए तो इसका इलाज कराकर इससे बचा भी जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, दिमाग की गिल्टी, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं, इसके लक्षण तब दिखने शुरू हो जाते हैं जब इसके द्वारा ली गई जगह दिमाग पर दबाव डालना शुरू करती है, या फिर वह जिस क्षेत्र में पनप रहा हो वहाँ के कार्य करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। ध्यान रखना चाहिए कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं का एक संग्रह या द्रव्यमान होता है। आपकी स्कल, जो आपके मस्तिष्क को घेरती है, बहुत कठोर होती है। तरह के सीमित स्थान में कोई भी वृद्धि हो तो समस्याओं का कारण बन सकती है। ट्यूमर कैंसर युक्त या गैर कैंसर युक्त हो सकता है। जब यह ट्यूमर ग्रो करता है तो यह आपकी स्कल के अंदर दबाव बढ़ा देता है, जो मस्तिष्क में क्षति उत्पन्न करता है, जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर को प्राथमिक या माध्यमिक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर आपके मस्तिष्क में उत्पन्न रहता है। कई माध्यमिक ब्रेन ट्यूमर गैर कैंसर युक्त होते हैं, जबकि एक माध्यमिक मस्तिष्क ट्यूमर, जिसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, तब होता है जब कैंसर की कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में किसी अन्य अंग से, जैसे आपके फेफड़े या ब्रेस्ट में फैल जाती है। तो दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी होती है, जिसका अगर समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो व्यक्ति धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें और ब्रेन ट्यूमर के लक्षण व कारण जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी बीमारी या हेल्थ से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।